हाय एवरीवन, इन ग्रीन टॉक्स के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है विवेक। विवेक का सिलेक्शन दुबई सलोना बीच के लिए हुआ है, तो जानते हैं विवेक की जर्नी ग्रीन इंस्टीट्यूट में कैसी रही। तो नमस्ते मैम, नमस्ते सबको, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। माय नेम विवेक, और मेरी जो जर्नी थी, पहले मैंने द ग्रीन के बारे में सुना था, ये मेरे नियर बाय है मेरे घर के। तो यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड ने ज्वाइन करा था पहले, भरत रौतेला। तो सबसे पहले उसका प्लेसमेंट दुबई के लिए हुआ था, तो उसने मेरे को बताया था द ग्रीन है, वहाँ पे तो ज्वाइन कर ले, अगर तेरा आउट ऑफ कंट्री जॉब करने का मन है तो वहाँ पे ज्वाइन कर ले। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा और मैंने देखा, पहले प्रोफेशन जो था मेरा तो थोड़ा अलग सा था, दो तीन घूमना ये वो। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा तो मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, मतलब क्योंकि ग्रूमिंग में नहीं रहते थे हम लोग, यहाँ पे शेविंग वगैरह प्रॉपर नहीं रहती थी। फिर हमने जब यहाँ पे ज्वाइन करा तो उसके बाद मैम लोग हमें फोर्स करते थे कि अपनी शेविंग करो, ग्रूमिंग में आओ यहाँ पर अच्छे से प्रॉपर ड्रेसिंग में। तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता था कॉलेज में, धीरे धीरे हमें फिर कॉलेज में आदत पड़ गई शेविंग वगैरह करने की। उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग के लिए गया था अपना ITC Windsor, मैंने ज्वाइन करा था यहाँ से। उसके बाद मेरी प्लेसमेंट ITC Windsor के लिए हुई थी, तो ऐसा ट्रेनिंग में वहाँ पे गया था। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे टाइम की क्या वैल्यू है और ग्रूमिंग की क्या वैल्यू है वहाँ पे। जैसे ही ज्वाइन करा तो सारी चीज़ें देखने को मिली वहाँ पे। यहाँ पर जो हमारा था कॉलेज में होता है, हमें पहले बताई जाती हैं चीज़ें कि आप ऐसा ऐसा करो, अगर आप पहले से उन चीज़ों को नोटिस करोगे तो आप लोगों को आगे जाके बहुत ईजी रहेगी वो चीज़ें। अगर आप लोग यहाँ से नोटिस नहीं करोगे, वहाँ जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों का क्या रहेगा, प्रोफेशन थोड़ा प्रोफेशनली आप ग्रो नहीं कर पाओगे मतलब ज़्यादा वहाँ पे। तो ये चीज़ें। ओके, सो विवेक, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं, जो आपके जूनियर्स हैं या जो आना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या क्या टिप्स देना चाहोगे अगर वो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है, किन किन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, और ग्रूमिंग की, टाइम की क्या वैल्यू है, और अगर एक वेल ग्रूम आदमी, हॉस्पिटैलिटी बेसिकली आदर सत्कार होता है, तो अगर एक वेल ग्रूम आदमी और एक जिसको अच्छे से हॉस्पिटैलिटी आती है, तो वो बाकी सोसाइटी से कैसे अलग हो जाता है, आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से प्लीज हमें और अपने सारे कलीग्स को ये बात बताइए। तो पहली चीज़ तो ये रहती है, जब मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन करने का सोचा था, तब मैं सोचता था कि मतलब लोग यहाँ से खाली रिलोकेट करते हैं अलग अलग जगह और वहाँ पे चिल करते होंगे, ज्वाइन करते होंगे। तो जब मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन करी और मैं खुद जब ट्रेनिंग के लिए गया, तो मुझे पता लगा कि वहाँ पर हार्ड वर्क तो है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी है। तो यहाँ से हम लोग की जो थिंकिंग रहती है वो रहती है कि खाली हमें स्मार्ट वर्क करना है, खाली बस पढ़ाई करके यहाँ से चले जाना है वहाँ पे और वहाँ पे जाके इन्जॉय करेंगे। बट स्मार्ट वर्क के साथ साथ एक हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, जो हमारा देखा नहीं जाता है बट वो हमारे बाद में काम आता है बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग प्रॉपर टाइम से अपना जाओगे होटल में, प्रॉपर ग्रूमिंग में जाओगे, तो वो चीज़ें आपको लग रहा है कि कोई आपको जज नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों से, बट एंड ऑफ द डे आपको पता लगेगा जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी वहाँ से, तो आप लोगों को बताया जाएगा कि आपके अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें थी, वो एंड ऑफ द डे आपको पता लगती हैं। तो मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और मतलब हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है, तो आप लोग ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे इस चीज़ में। ओके, और आप खुद से कुछ बताना चाहेंगे, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहोगे या फीलिंग्स है जो भी आपकी, लाइक जो भी आप सोच रहे हो अभी, आपके घर पे आपके मम्मी पापा लोगों को कैसा लग रहा है, आपके फ्रेंड्स को कैसा लग रहा है, और आप कितना लॉन्ग टर्म गोल लेके जा रहे हुए हैं। तो जो भी थिंकिंग रहती है घर वालों की, वो ये रहती है, हर किसी के घर वाले सोचते हैं कि यार बच्चा कहीं आगे मतलब ग्रो करे हमारा बच्चा। तो अब जैसे हम लोग पहले यहाँ पे घूमते थे तो घर वालों को अच्छा नहीं लगता था, घर वालों को मतलब सोचते नहीं थे घर वाले कभी ऐसे ग्रो करेंगे हमारे बच्चे। तो अभी मेरा दुबई के लिए सिलेक्शन हुआ है यहाँ से, तो घर वाले बहुत खुश थे मेरे, तो उन्होंने बोला भी कि यार हमने सोचा नहीं था तो कभी इतना ग्रो करेगा करके। तो ये चीज़ें रहती हैं, और बाकी होटल इंडस्ट्री में काफ़ी इन्जॉय भी रहता है। आप लोगों को लगता है कि आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हो, बट आप जब उस इंडस्ट्री से अपने घर आओगे वापस, तो आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो आप लोग, जो आप एक होटल इंडस्ट्री के होटल के अंदर करते हो, तो वहाँ पे जितना इन्जॉय है वो बाहर नहीं है इन्जॉय। ओके, तो विवेक आप ये बताइए कि क्या क्या सपने हैं आपके जो आप वहाँ पे जाके पूरा करना चाहोगे। इस पर तो हम लोग देखेंगे तो दुबई ड्रीम सिटी है सभी की, तो हमारा भी सपना था कि हम दुबई में ज्वाइन करें वहाँ पर। तो अभी जाएंगे वहाँ पे, देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें हैं वहाँ पे, और वहाँ पे रिलोकेट करेंगे थोड़ा। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स को और बाकी सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे।
मैं सबसे यही कहूँगा कि देखें आकर और इस इंडस्ट्री को पहले देखें, उसके बाद आपको भी अगर बाहर रिलोकेट करना है तो द ग्रीन के बारे में पूछें, जानकारी लें यहाँ पे। और 2 से 3 दिन का यहाँ पे डेमो क्लासेस भी रहते हैं, तो आप लोगों को अगर वैसे समझ में नहीं आता तो 2 से 3 दिन आप डेमो क्लासेस लीजिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे सजेशन देते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने जब ज्वाइन करा था तो मेरे को किसी टीचर्स ने बोला था कि यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप शांत नहीं बैठेंगे यहाँ पर। तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी वो बात, मतलब और कॉलेज से ऐसा कोई भी टीचर नहीं बोलता क्योंकि इंडिया खुद के पास टाइम नहीं है, बट यहाँ पर टीचर जो आपको सपोर्ट करेंगे, अच्छा सपोर्ट रहता है टीचरों का, यहाँ पे कहीं आपका जॉब में वहाँ से आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ से दूसरी प्लेसमेंट के लिए आपको हायर करेंगे। काफ़ी अच्छा है, मतलब इन चीज़ों का यहाँ पे बहुत सपोर्टिव टीचर्स हैं, और आप इधर नेम ज्वाइन करिए, काफ़ी अच्छा है। ओके, थैंक यू विवेक, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। और उसी के साथ साथ अगर आपको हमारी ऐसी ग्रीन टॉक्स की वीडियोस देखनी है और जानना है कि किस बच्चे का कौन सी प्रॉपर्टी के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।